दोस्तों, अपने सभी ऑनलाइन अकाउंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी प्राइवेसी को बनाए रखने के लिए काफी रिसर्च और मेहनत करने के बाद फाइनली आपके लिए इस वीडियो में 11 पॉइंट्स लेके आया हूं। तो शुरू करते हैं नंबर एक से। डोंट यूज सेम यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर एवरी ऑनलाइन अकाउंट। जी हाँ, क्योंकि हैकर सबसे पहले अगर आपके किसी एक अकाउंट को हैक कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके ईमेल अकाउंट को हैक कर लिया, देन उसके बाद वो अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके ट्राई करते हैं, बैंकिंग में, अलग अलग सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पे उसी यूजर नेम एंड पासवर्ड को लॉगिन करने के लिए ट्राई करेंगे, और अगर आपने सेम रखा हुआ है तो उनका काम समझ लो आसान हो गया। तो ये गलती आपने नहीं करनी है। स्पेशली अपने पासवर्ड को तो हर एक अकाउंट के लिए अलग रखें, और साथ ही हर 3 महीने के बाद उनके पासवर्ड्स को चेंज करते रहा करो। नंबर 2, टू स्टेप वेरिफिकेशन एंड मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इस बात को हमेशा याद रखना कि आपके अकाउंट के हैक होने के 80% चांस कम हो जाते हैं अगर आपने टू स्टेप वेरिफिकेशन को ऑन कर रखा है, इनेबल कर रखा है। इन दैट केस अगर किसी को आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड पता लग भी गया तो वो उसको लॉगिन करने के लिए ट्राई करेगा, देन उसी टाइम पे एक ऑनलाइन कोड जनरेट होता है, दैट्स कॉल्ड वन टाइम पासवर्ड OTP, जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस पे भेजा जाएगा, एंड उसको वेरीफाई करने के बाद ही वो सक्सेसफुली लॉगिन होगा। तो गूगल अकाउंट पे या फिर जिस भी सोशल मीडिया अकाउंट पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां पे भी आपको ये फीचर मिलता है, इसका यूज डेफिनेटली करें। नंबर 3, डोंट सेव योर पासवर्ड्स ऑन ब्राउजर। फिर वो बेशक से गूगल क्रोम ही क्यों ना हो, अपने पासवर्ड्स को ब्राउजर के अंदर सेव करके रखना सेफ नहीं होता, ये रिस्की है। हमेशा स्मॉल एंड कैपिटल लेटर, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशन से ही एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड को अपने अकाउंट के लिए रखें। एंड हैकर्स किस तरह पासवर्ड्स को हैक करते हैं, ये पूरा प्रोसेस एक्चुअली होता क्या है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो जाके जरूर से देखना, काफी इन्फॉर्मेशनल वीडियो है। नंबर 4, डोंट क्लिक ऑन एनी फिशिंग लिंक। देखो, जनरली किसी भी ऐरे गैरे लिंक पे तो कोई भी क्लिक नहीं करता, लेकिन हैकर्स आजकल क्लिक कराने के लिए नए नए तरीके खोज रहे हैं। यू नो, कोई बहुत ही ज्यादा आई कैची इमेज या फिर टेक्स्ट लिखा होता है कि आपने ऐसे कपड़े पहने हैं, आपने ये किया, आपने वो किया, क्या आपका ऐसा कुछ गुम हो गया, मतलब इस तरह किसी को भी अप्रोच करना, तो इसके मैक्सिमम चांस होते हैं कि लोग ऐसे लिंक्स पे क्लिक कर देते हैं। लेकिन साथ में जो लिंक अटैच्ड होता है वो प्रोग्राम्ड है, उस पे क्लिक करते ही आपका सारा डेटा उनके पास और आपका अकाउंट समझो हैक हो गया सिर्फ एक क्लिक में। इसके बारे में थोड़ा आगे भी बात करेंगे। नंबर 5, कीप अपडेटेड योर एंटीवायरस एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स। देखो, अगर आप एक एंटीवायरस का यूज करते हैं तो उसको अपडेट रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज विंडोज में आपको विंडो डिफेंडर मिलता है, मैं भी उसी को यूज करता हूँ, वो काफी ज्यादा अच्छा है। रही बात एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स की, तो हैकर्स ना हमेशा किसी भी एप्लीकेशन में कोई लूप होल सर्च करते रहते हैं कि किस तरह से उसकी सिक्योरिटी को बाईपास करके उसके अंदर घुसा जा सके। एंड इन अदर हैंड्स एप्लीकेशन की कंपनीज भी ये सर्च करती रहती हैं कि हम किस तरीके से उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। तो जब भी उनको कोई ऐसा एरर मिलता है, कोई ऐसा लूप होल मिलता है, उसको फिक्स करने के बाद वो उसका अपडेटेड वर्जन निकाल देते हैं। दैट्स व्हाई हमें हर एक एप्लीकेशन या फिर सॉफ्टवेयर को अपडेटेड रखना चाहिए। नंबर 6, चेक योर रीसेंट एक्टिविटीज। जी हाँ, इस बात पे ना एक्चुअली बहुत ही कम लोग ध्यान देते हैं, बट जब भी आप अपने ऑनलाइन अकाउंट में लॉग इन करो तो कभी कभार रीसेंट एक्टिविटीज को भी देख लिया करो कि कहां पे, किस लोकेशन पे, किस डिवाइस में, कितने बजे आपके अकाउंट को लॉग इन किया गया है, उसमें आपको सारी डिटेल्स मिलती हैं। अगर आपको कोई अननोन लगे तो उसको साइन आउट करके पासवर्ड को इमीडिएटली चेंज कर दो। ये फीचर आपको फेसबुक में, गूगल अकाउंट में, कई जगह पे मिलता है, तो इसको देखना काफी सही और सिक्योर होता है। नंबर 7, यू कैन यूज अ VPN। एक VPN एक्चुअल में आपको काफी ज्यादा सिक्योर और प्राइवेट कनेक्शन प्रोवाइड करता है, जिसके बाद ना तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपके बारे में कुछ देख सकते हैं, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, बिहेवियर वगैरह, और ना ही कोई थर्ड पर्सन इजिली आपके डेटा को एक्सेस कर सकता है। नंबर 8, डिलीट द अकाउंट यू डोंट यूज। काफी सारे लोग जिस अकाउंट को यूज नहीं करते उसको साइन आउट कर देते हैं या फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं और एक नया अकाउंट बना के उसको यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों, पुराने अकाउंट को कभी भी इजीली हैक किया जा सकता है, एंड उसमें आपका प्रीशियस, आपका पर्सनल डेटा होता है। तो हमेशा जिस अकाउंट को आप यूज नहीं करते उसको डिलीट कर दो। जनरली हर एक सोशल मीडिया अकाउंट को डिलीट करने का जो ऑप्शन होता है वो काफी ज्यादा अंदर छुपाया जाता है, यूजर को वो इजीली नहीं मिलता, बिकॉज कंपनी ऐसा नहीं चाहती, वो चाहती है कि आप उन्हें यूज करते रहें। तो किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट को कैसे डिलीट करना है, इसके लिए वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेक कर लेना। नंबर 9, क्लियर ब्राउजिंग हिस्ट्री एंड साइन आउट फ्रॉम ऑल डिवाइसेस। अगर आपने किसी के भी मोबाइल, PC या टैबलेट से या फिर किसी साइबर कैफे में अपने अकाउंट्स को लॉगिन किया है, देन सभी अकाउंट्स को ध्यान से साइन आउट करो और अपनी सारी ब्राउजिंग हिस्ट्री को डिलीट कर दो, साथ में कैश डेटा को भी। जी हाँ, बिकॉज शायद आपको आइडिया नहीं है कि आपके कैश डेटा और कुकीज में कितना सारा पर्सनल डेटा स्टोर्ड होता है, जिसके जरिए अकाउंट्स को हैक किया जा सकता है। उनको जरूर से डिलीट करना, एंड कुकीज के जरिए कैसे आपके अकाउंट्स को हैक किया जा सकता है उसको सिक्योर करना है, इसके लिए भी मैं जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा, डिस्क्रिप्शन को चेक कर लेना, शायद आपको लिंक मिल जाए। नंबर 10,
अवॉइड पब्लिक वाईफाई। देखो वैसे तो पब्लिक वाईफाई या फिर किसी भी अननोन पर्सन के हॉटस्पॉट से इंटरनेट को यूज करना काफी ज्यादा रिस्की होता है, लेकिन अगर आपको किसी इमरजेंसी में यूज भी करना पड़ जाए तो ट्राई करना कि उस टाइम पे आप कोई भी पर्सनल एक्टिविटीज ना करें। पर्सनल एक्टिविटीज से मेरा मतलब है बैंकिंग या फिर किसी अकाउंट को लॉग इन करना, अगर आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं, मैप्स वगैरह देखने हैं या फिर गाने सुनने हैं। अदरवाइज उस टाइम पे पर्सनल एक्टिविटीज को करने से अवॉइड करें, बिकॉज एक अनसिक्योर नेटवर्क को यूज करने से कोई भी हैकर उसके जरिए आपके डिवाइस में घुस सकता है, उसको एक्सेस कर सकता है। एंड फाइनली नंबर 11, यूज लॉक ऑप्शन व्हेनेवर यू फाउंड इट। शायद आपको समझ नहीं आया, मैं बताता हूँ। काफी लोगों को लगता है कि फोन पे जो मेन लॉक लगाया हुआ है वो ही इनफ है, बिकॉज उसके बिना तो कोई आपके मोबाइल को एक्सेस कर ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों ये बात गलत है। जिस भी एप्लीकेशन पे आपको ये फीचर मिलता है, फॉर एग्जाम्पल मैं 2-3 साल पहले फेसबुक लाइट को यूज करता था, अगर आपने ध्यान दिया हो तो उसमें आपको पैटर्न लॉक या फिर पिन कोड का फीचर मिलता है, तो उसको यूज करो। इसी तरह से व्हाट्सएप में भी मिलता है टच आईडी का या फिर फेस अनलॉक का, अगर आपका फोन सपोर्ट करता है तो जिस भी एप्लीकेशन के बाहर आपको एक सर्टेन ऑप्शन मिलता है, पिन, पैटर्न या फिर टच आईडी कैसा भी हो, तो उस लॉक को जरूर से यूज करो। एक्चुअली इससे एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर बढ़ जाती है आपके अकाउंट की। जिस तरह से रात को सोने से पहले हम सिर्फ दरवाजे पे ही लॉक लगा के नहीं सोते, बल्कि अपनी तिजोरी पे भी एक्स्ट्रा लॉक रखते हैं, ताकि चोर अगर किसी तरह दरवाजे के अंदर भी आ गया तो एटलीस्ट जो तिजोरी में आपने पैसे या ज्वेलरी रखी है वो सेफ रहे, वो उन तक ना पहुंच पाए, राइट? तो जब हम रियल लाइफ में अपनी चीजों की सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के लिए डबल या ट्रिपल लॉक लगा के रखते हैं, उनका इतना ध्यान रखते हैं, तो फिर ऑनलाइन में ये लापरवाही क्यों? समझ गए? तो इस बात का ध्यान रखना है एंड सभी पॉइंट्स को फॉलो करें। आई होप आपके सभी अकाउंट सेफ एंड सिक्योर रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए। जो भी आपका फीडबैक है, आपको वीडियो अच्छी या बुरी लगी या फिर नेक्स्ट टॉपिक आप किस बारे में चाहते हैं, कमेंट करके बता देना, मैं वीडियो आपके लिए जरूर से लेके आऊंगा। सो आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय।